हेलो दोस्तों, मैं रवि सैनी, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों, शुरू हम बात करें राजस्थान स्कॉलरशिप 2018 के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे राजस्थान स्टेट में कौन कौन सी स्कॉलरशिप फ़िलहाल जारी हुई हुई हैं, और साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप जारी की हुई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आप इनका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gayatrijobs.com, और ये जो पोस्ट है राजस्थान स्कॉलरशिप 2018, आप हमारी जो वेबसाइट है gayatrijobs.com, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँगा, जिससे कि आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जारी हुई हुई है स्कॉलरशिप, उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं। तो आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी जो दूसरी पोस्ट है वो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी स्कॉलरशिप जारी की गई है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट जो न्यू का आपको साइन दिख रहा है, ये सारी न्यू स्कॉलरशिप हैं जो कि जारी की गई हैं। इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई हुई है जो कि यहाँ पर आप सब नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे ये वीडियो दी हुई है इंडियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2018 के बारे में। तो आप इस पर हमारी जो पोस्ट है उस पर भी जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं, और हमारा जो चैनल है उस पर भी ये वीडियो अपलोड है, तो वहाँ से भी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें दोस्तों। तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप इस फॉर्म को भरना है, तो उसकी जानकारी आप इस वीडियो से ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपनी वेबसाइट पर ही। इसमें जो सेंट्रल के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो स्कॉलरशिप जारी की गई है के द्वारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, ये फिलहाल चार योजनाएं चली हुई हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो आप इनको इस पर लिंक पर क्लिक करके आपको जौन सी भी योजना के लिए आवेदन करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आप यहां से ले सकते हैं। इस पीडीएफ में उस समय इस तरह की पीडीएफ मिलेगी और उसके बारे में सारी जानकारी इन पीडीएफ में आपको मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद ऐसे ही देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस पर लिंक पर आपको क्लिक करना है, तो आप पीडीएफ के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। तो ये जितने भी चारों स्कॉलरशिप है आप यहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो नोटिफिकेशन एंड कैलेंडर है आपको चेक करना है, तो कौन सी डेट को ये जो स्कॉलरशिप जारी हुई था, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप जो कैलेंडर है इनका स्कॉलरशिप का वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग जो स्कॉलरशिप है कौन सी डेट से प्रारंभ हुई है और क्या उसके अंदर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और साथ में जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए आपके पास वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ऐसे ही चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेप ऑफ फिलिंग ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म आपको यहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई कैसे करना है स्कॉलरशिप फॉर्म उसके बारे में यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपके जो फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी इमेज के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कैसे आपको रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको आधार कार्ड से अपने आप को लिंक करना होगा, उसके अंदर वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड मिलेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह से आपकी इमेज और आपका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, सब जो आधार कार्ड में आपकी मेंशन है वही यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, और इस तरह आपके सामने दूसरा फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपको जो फॉर्म है वो भरना होगा। लिंक जो है इसका अप्लाई करने के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है, रजिस्टर्ड हेयर पे आपको क्लिक करेंगे, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो न्यू यूज़र के लिए यहाँ पर ये ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें आधार कार्ड से पे आपको क्लिक करना है और आधार कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट कर देना है, तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी दोबारा से इसके अंदर सबमिट करेंगे और वहाँ से आपको एक पासवर्ड और यूज़र नेम यूज़र आईडी आपको प्राप्त होगी, जिसे आपको दोबारा से डाल के लॉगिन कर लेना होगा इस वाले ऑप्शन में आके, जिसमें आपका आइडेंटिटी जो SSOID यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पर डालना है, और ये जो इमेज दी हुई है उस इमेज को एज इट इज़ आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे 9988882, और लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पर जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी। इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो अब स्कॉलरशिप जारी होगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के से, तो हम आपको इस वाली जो पोस्ट है उस पर आपको जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। जिस अभी फ़िलहाल ये चार स्कॉलरशिप जारी हुई हुई हैं, तो इसके अलावा जो भी न्यू स्कॉलरशिप जारी होगी तो उसके बारे में मैं आपको
बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दोबारा ना भूले, जिससे कि न्यू वीडियो हम अपडेट करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस वीडियो का लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।